हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सना सफीनास की वेलवेट की जो न्यू कलेक्शन आई है, ये मोस्टली वेलवेट में है, तकरीबन ये सारी वेलवेट में है। इसमें एक छोटा सा जो है ये शॉप विजिट है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। और साथ साथ जो है वो आप मेरे उससे पता चल गया होगा कि मैंने जो है अपना चैनल का नाम जो है वो चेंज कर लिया है फिर से। तो वो असल में मैंने जो पहले चैनल का नाम रखा था और दोबारा वो सर्चेबल नहीं था, वो जब हम सर्च करते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पर मैं चाहती थी कि कोई ऐसा नेम हो जो आप सर्च करें तो फिर आपकी जो है वो सर्च लिस्ट में आए। दैट्स वाई मैंने इसको दूसरी बार चेंज किया है। आई एम सॉरी, अक्सर लोगों को थोड़ी मुश्किल होती होगी कि किसकी नोटिफिकेशन आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक नाम से एक चैनल को सेव करते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस ब्लॉग में ड्रेसेस तो दिख ही रहे हैं, तो मैं साथ साथ थोड़ी सी आपके साथ चिट चैट कर लूँ और आप लोगों को बता दूँ कि जो है अब ये फ़ाइनल नेम है और इंशाल्लाह अब यही मेरे चैनल का नेम रहेगा। तो बस थोड़ी मुश्किल हो रही थी, ज़ाहिर डिसाइड करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कभी कभी इंसान को। अब मैंने एक नाम रख लिया था, लेकिन उस टाइम मेरा इतना आइडिया नहीं था मुझे कि मैं इस तरह से ब्लॉगिंग भी करूँगी या ब्लॉग्स वगैरह बनाऊँगी। बट फिर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ब्लॉग्स भी बनाए जाएँ और कुछ कुकिंग शेयर की जाए, कुछ फैमिली शेयर की जाए, कुछ टिप्स शेयर की जाएँ, कुछ रिव्यूज़ शेयर की जाएँ। तो फिर जब मैंने इसको ओवरऑल चैनल बनाया तो फिर ज़ाहिर है इसका नाम जो है वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको चेंज किया। और फिर जब मैंने दोबारा चेंज किया तो वो नाम जो है व्लॉगर फैमिली रखा और वो सर्चेबल नहीं था। उसको जब भी सर्च करते थे कहीं से भी तो वो शो ही नहीं होता था, वो बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो व्लॉगर फैमिली के नाम से काफ़ी सारे जो है बाहर के जो होते हैं वो शो होते हैं हमें व्लॉग्स, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। तो फिर अब मैं कुछ ऐसा नाम रखना चाहती थी जो आराम से सर्च हो सके, अगर हम किसी को बताएं भी नाम तो वो इजीली सर्च कर सकें। तो इसलिए जो है वो मैंने इसको अपने ही नेम से, मतलब अपने हस्बैंड के नेम से, मिसेस ज़िया व्लॉग्स, यस ज़िया इज़ माय हस्बैंड्स नेम, तो मैंने अपने हस्बैंड के नेम से इसको रखा है। तो बिकॉज़ आई एम मिसेस ज़िया, तो मैंने इसको अपने नाम से फिर इसको व्लॉग्स स्टार्ट किए हैं। तो आई होप कि अब सबको पता चल जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस व्लॉग में जो है ड्रेसेस जो नज़र आ रहे हैं इसके साथ साथ जो है मैं अपने व्लॉग के नाम के बारे में थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे दूँ, लोग ना आप लोग समझेंगे कि ये कितना कंफ्यूज है ये कि इसको अपना चैनल का नाम डिसाइड नहीं हो रहा। तो इसलिए बस नहीं, ये फ़ाइनल नेम है बिल्कुल, और अब यही मेरे चैनल का नाम होगा और इंशाल्लाह इस पर काफ़ी सारे व्लॉग्स अब मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। सारी ड्रेसेस हैं, इनके प्राइस जो है वो मैंने साथ मेंशन कर दिए हैं, काफ़ी सारी कलेक्शन है, लेकिन मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई है वो आपके साथ शेयर कर दिया है, शॉप विज़िट शेयर कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो है सारी जो ड्रेसेस हैं काफ़ी अच्छे ड्रेसेस हैं, अच्छी कलेक्शन है, बस प्राइस जैसे नीचे लिखे हुए थे बट फिर मैंने जो है वो इनको बड़ा करके लिख दिया है ताकि जो है आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए। और ये सारी कलेक्शन जो भी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। वैसे तो बहुत ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन है, आप इजीली जाके जो है इसको ऑनलाइन अगर शॉप करना चाहते हैं देख लें, लेकिन ये कि अगर आप शॉप से जाके लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक ईजी होगा कि आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि किस तरह की कलेक्शन आई है। शादी वगैरह में पहनने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये, पार्टी वेयर भी बहुत अच्छे हैं और शादी सीज़न चल रहा है तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छे ड्रेसेस हैं। तो देखिए, जाइए और लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।